हेलो फ्रेंड्स, युवाम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश शेखावत आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सैलोगिज्म चैप्टर की कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा कि सैलोगिज्म के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हमने उसका बेसिक्स पूरा वहाँ पर कैलकुलेट किया था। अब इसी के अंदर कुछ थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे 2 कंक्लूजन पूछे गए हैं। नाउ यहाँ पर फर्स्ट हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है सम क्वेश्चन आर आंसर। तो हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, सम क्वेश्चन आर आंसर, ये क्वेश्चन हुआ और ये आंसर। नाउ सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज ऑल आंसर आर मैटर, सारे के सारे आंसर मैटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब हमें इसमें कंक्लूजन को चेक करना है। तो नाउ देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है एटलीस्ट सम मैटर आर आंसर। तो देखो, पहले हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट का कोई यूज नहीं होता, इसको तो हटाते हैं। सम मैटर आर आंसर, ये चेक करना है, सम मैटर और आंसर। अब यहाँ देखिए, मैटर और आंसर के बीच में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल का। अगर स्टेटमेंट ऑल टाइप का है और यहाँ ऑल के स्टेटमेंट में सम के कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं, इट मींस ये कंक्लूजन यहाँ पे सही होगा। नाउ अगर डायग्राम में चेक करना है, देखो सम मैटर और आंसर, सम मैटर और आंसर यहाँ पे ठीक है। नाउ फर्स्ट डायग्राम में सही होने का नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें इसे रॉन्ग करना है। ऐसा कोई डायग्राम बनाना है जिसमें मैटर और आंसर दोनों अलग हो जाए। नाउ चेक करो, क्या मैटर और आंसर को हम अलग बना सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इट मींस यहाँ पर फर्स्ट नंबर कंक्लूजन सही है। नाउ सेकंड नंबर कंक्लूजन, सम आंसर आर डेफिनेटली नॉट क्वेश्चन, सम आंसर आर डेफिनेटली नॉट क्वेश्चन, मतलब हुआ कुछ आंसर ऐसे हैं जो निश्चित रूप से क्वेश्चन नहीं है। अब डायग्राम में अगर हम बात करें तो डायग्राम में तो ठीक है, देखो ये वाले जो आंसर हैं ये क्वेश्चन नहीं है। डायग्राम में सही आने पर नेक्स्ट स्टेप पर हमें इसे रॉन्ग करना है। रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाउ अगर कोई हम ऐसा डायग्राम बना दें जिसमें सारे के सारे आंसर क्वेश्चन से कवर हो जाएं, तो यहाँ पर ये जो बात लिखी गई है ये गलत हो जाएगी। तो क्या सारे आंसर को क्वेश्चन से कवर किया जा सकता है? देखो, क्वेश्चन और आंसर के बीच में क्या स्टेटमेंट है? सम का। सम के स्टेटमेंट में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों को ओवरलैप कर सकते हैं, और जैसे ही हम ओवरलैप करेंगे तो सारे के सारे आंसर क्या होंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। इट मीन्स ये कंक्लूजन सही नहीं है। अब देखो, यहाँ पर एक डायरेक्टली अप्रोच भी हम लगा सकते हैं। हमारे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट किस टाइप के हैं? पॉजिटिव। नाउ इस कंक्लूजन को देखो जरा, यहाँ कंक्लूजन में नॉट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये कंक्लूजन किस टाइप का हुआ? नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होते, हम इसे डायरेक्टली भी यहाँ रॉन्ग कर सकते थे। तो यहाँ हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ ओनली 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ट्रिक इज मैजिक, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम ट्रिक इज मैजिक, ये ट्रिक और ये मैजिक। नाउ नेक्स्ट है ऑल मैजिक आर ट्रूथ, ऑल मैजिक, सारे के सारे मैजिक जो है वो ट्रूथ है, ये हमारा डायग्राम हो गया। नाउ फर्स्ट नंबर कंक्लूजन है देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑल ट्रिक आर ट्रूथ। नाउ पूछा गया है कि ऑल ट्रिक आर ट्रूथ की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं, ऑल ट्रिक आर ट्रूथ, ऑल ट्रिक आर ट्रूथ डायग्राम में सही नहीं है, इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग है। नाउ सेकंड हमें स्टेप क्या चेक करना है, क्या कोई हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें सारे ट्रिक को ट्रूथ बना दिया जाए? सारे ट्रिक को अगर ट्रूथ बना सकते हैं तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग रहेगी। नाउ देखो, ट्रिक और ट्रूथ, हम यहाँ पे ट्रिक और मैजिक के बीच में ओवरलैप बना सकते हैं क्योंकि ट्रिक और मैजिक के बीच में हमें सम का रिलेशन दिया है। नाउ मैजिक और ट्रूथ के बीच में भी ओवरलैप बना सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें ऑल का रिलेशन दिया है, ऑल और सम दोनों के अंदर ही हम ओवरलैप डायग्राम बना सकते हैं। तो इट मीन्स इस डायग्राम को हम तीनों को ओवरलैप भी कर सकते हैं, और जैसे हम तीनों को ओवरलैप करेंगे तो सारे के सारे ट्रिक ट्रूथ बन जाएंगे, इसका मतलब यस ऐसा पॉसिबल तो है, तो ये कंक्लूजन कहलाएगा राइट। नाउ सेकंड नंबर, ऑल इट इज पॉसिबल ऑल मैजिक इज ट्रिक। नाउ अगेन पहले इसे चेक करते हैं, ऑल मैजिक इज ट्रिक डायग्राम में सही नहीं है, डायग्राम में सही नहीं है तो इसे दोहरा दे रॉन्ग। अब ये चेक करते हैं कि ऐसा ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल है जिसमें सारे मैजिक ट्रिक बन जाए। तो नाउ देखो, ट्रिक और मैजिक के बीच में अगेन सम का रिलेशन है, ट्रिक और मैजिक में बीच में सम का रिलेशन है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैप डायग्राम बनाया जा सकता है, और जैसे ही हम ट्रिक और मैजिक को ओवरलैप करेंगे तो ऑल मैजिक इज ट्रिक ड्रॉ हो जाएगा। इट मीन्स यस हम बोलेंगे इसकी भी पॉसिबिलिटीज तो हैं, यहाँ हमारा आंसर होगा बोथ आर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट दिए गए और 2 कंक्लूजन पूछे गए। नाउ फर्स्ट नंबर इज ऑल कॉलेज आर इंस्टीट्यूट, तो ऑल कॉलेज आर इंस्टीट्यूट। नाउ सेकंड नंबर इज सम इंस्टीट्यूट आर हाउस और सम हाउस, यहाँ देखो
हाउस इंस्टीट्यूट से भी कनेक्ट है और हाउस कॉलेज से भी कनेक्ट है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि दो हाउस बनेंगे, हाउस एक ही ड्रॉ होगा, कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोनों से कनेक्ट होना चाहिए। तो हम हाउस को यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, चेक करो देखो, सम इंस्टीट्यूट आर हाउस, यस ये ड्रॉ हो गया, एंड सम हाउस आर कॉलेज, सम हाउस आर कॉलेज भी ड्रॉ हो गया, डायग्राम सही है हमारा। नाउ चेक करते हैं, सम इंस्टीट्यूट, नाउ सम इंस्टीट्यूट बोथ कॉलेज एंड हाउस, सम इंस्टीट्यूट आर बोथ कॉलेज एंड हाउस, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कॉलेज और हाउस दोनों है। डायग्राम में देखते हैं, देखो डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ये हाउस का पोर्शन है, और यहाँ पर इस तरह के यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट भी है और यहाँ कॉलेज भी है, यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं वो कॉलेज और हाउस दोनों से कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारे डायग्राम में सही आ रहा है। नाउ सही आने पर नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसे रॉन्ग करना है। रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इन इस पोर्शन से तीनों में से किसी एक को भी अलग कर देना है। क्या हम ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ से किसी को भी अलग कर सके, कॉलेज या हाउस को? नहीं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस पोर्शन में जो इंस्टीट्यूट हैं वो कॉलेज और हाउस दोनों से कनेक्ट हैं और कनेक्ट रहेंगे चाहे कैसा भी डायग्राम बना दिया जाए। इट मीन्स हमारा ये कंक्लूजन सही है। नाउ सेकंड नंबर इज नो कॉलेज इज हाउस, कॉलेज और हाउस तो डायग्राम में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं है। फर्स्ट डायग्राम में रॉन्ग हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ देखो तीन स्टेटमेंट, तीनों के तीनों किस तरह के हैं, पॉजिटिव, ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता, तो हम इसे डायरेक्टली भी रॉन्ग कर सकते थे। ओके, तो आंसर हुआ फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल प्लांट्स आर एनिमल, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट। देखो ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, ऑल इंसेक्ट आर प्लांट और ऑल प्लांट आर एनिमल। तो सबसे पहले ऑल इंसेक्ट आर प्लांट, सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं वो प्लांट हैं, और सारे के सारे जो प्लांट हैं वो क्या है, एनिमल। ये हमारा डायग्राम बना। नाउ फर्स्ट नंबर, ऑल इंसेक्ट कैन बी एनिमल, ऑल इंसेक्ट कैन बी एनिमल, कैन बी ए वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। नाउ पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल सही है या नहीं है। डायग्राम में देखो ऑल इंसेक्ट आर एनिमल, डायग्राम में सही आ रहा है। जो कंक्लूजन सही होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज चेक नहीं की जाती, इट मीन्स ये कंक्लूजन सही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पूछा है, इट इज़ पॉसिबल फ्यू एनिमल आर नाइदर इंसेक्ट नोर प्लांट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एनिमल ना तो इंसेक्ट हो ना प्लांट हो? नाउ देखो नाइदर नोर वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है, ऊपर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नेगेटिव गलत होता है, गलत होता है, इसलिए हम इसकी पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं। जहाँ पे गलत होगा तो ही पॉसिबिलिटी चेक की जाएगी। नाउ इट इज़ पॉसिबल फ्यू एनिमल आर नाइदर इंसेक्ट नोर प्लांट, तो देखो डायग्राम में देखो यहाँ पे जो एनिमल है ये ना तो इंसेक्ट है और ना ही प्लांट है, इट मीन्स पॉसिबल है तभी ऐसा डायग्राम ड्रॉ हो पाया है, अदरवाइज तो ड्रॉ होता ही नहीं। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि यस ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एनिमल ना तो इंसेक्ट हो और ना ही प्लांट हो, तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ट्रेन आर बस, सम ट्रेन आर बस, ये ट्रेन है और ये बस है। नाउ ऑल ट्रेन आर बोट, सारे के सारे ट्रेन जो है वो बोट से कवर, बोट। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल बोट्स आर बस, डायग्राम में चेक करो क्या ऑल बोट्स आर बस है डायग्राम में, डायग्राम में नहीं है सर। डायग्राम में कंक्लूजन रॉन्ग होने पर यही रॉन्ग करना है, आगे कुछ भी प्रोसेस चेक नहीं करना होता हमें। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर जो कंक्लूजन है ये कंडीशनल कंक्लूजन है, ऑल ट्रेन इफ दे आर बसेस दे आर ऑल्सो बोट्स, कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, ये हमें चेक करना होता है। तो देखो अगर सारे ट्रेन बस होंगे, इसने बोला ऑल ट्रेन इफ दे आर बसेस, सारे ट्रेन अगर वो बस होंगे तो वो सारे के सारे ट्रेन क्या होंगे, बोट भी होंगे। तो देखो ट्रेन अगर बस से कनेक्ट होता है, सारे के सारे ट्रेन अगर बस से कनेक्ट होता है तो ट्रेन बोट से कवर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रीजन क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रेन आर बोट्स, ट्रेन जहां भी जाएगा बोट तो उसको कवर करेगा ही करेगा, ट्रेन बस को पूरा कवर करेगा तो वो ट्रेन भी पूरा कवर करेगा। तो ना क्या हम कोई ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि जिसमें ट्रेन बस से तो कनेक्ट हो जाए लेकिन बोट से कनेक्ट ना हो, तब ये गलत हो सकता है। हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ट्रेन बस से कनेक्ट हो जाओ, ट्रेन बोट से कनेक्ट कवर ना हो, ट्रेन तो हमेशा बोट से कवर रहेगा चाहे ट्रेन बस से कनेक्ट हो और चाहे ट्रेन बस से कनेक्ट ना हो। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी बिल्कुल होगा, तो हम बोलेंगे यस ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्लियर? तो कंडीशन कंक्लूजन में ध्यान रखना, कंडीशन दी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, तो हमें ये चेक करना होता है कि ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ फॉलो होती है या नहीं होती है। यहाँ पर
अगर हम ट्रेन को बस से कनेक्ट करते हैं तो ट्रेन बाय डिफॉल्ट बोर्ड से कवर्ड रहेगा रहेगा, रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ट्रेन आर बोर्ड, तो यहां पर ये कंक्लूजन होगा सही। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पेपर आर बोर्ड, सम पेपर आर बोर्ड, ये है पेपर और ये है बोर्ड, एंड नो बोर्ड इज कार्ड, कोई भी बोर्ड कार्ड नहीं। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन, नो कार्ड इज ए पेपर। अब देखो, नो कार्ड इज ए पेपर, यहां से ये कार्ड है, ये पेपर है, डायग्राम में सही है। सही होने पर नेक्स्ट स्टेप चेक करना होता है कि इसे रॉन्ग किया जा सकता है क्या। नाउ नो को रॉन्ग करने के लिए हमें कार्ड और पेपर को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम देखो इस कार्ड को यहां से इस तरह से पेपर से ड्रॉ कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही कनेक्ट होगा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड नंबर पूछा है सम पेपर आर कार्ड, सम पेपर आर कार्ड हमारे डायग्राम में नहीं है, जो कंक्लूजन हमारे डायग्राम में सही नहीं होता हम उसे क्या करते हैं, रॉन्ग। आंसर हुआ बहुत हार रॉन्ग। अब नाउ देखो दोनों में कार्ड पेपर, पेपर कार्ड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम आ रहे हैं, ये है ई टाइप का और ये है आई टाइप का कंक्लूजन, आई ई का पेयर बना, आई ई का पेयर बनता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, आइदर। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर वन और टू, ये चीज हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट है सम पेपर आर बोर्ड और नो बोर्ड इज ए कार्ड, सम पेपर आर बोर्ड एंड नो बोर्ड इज ए कार्ड। नाउ दो कंक्लूजन है, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट बोला है ऑल कार्ड बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ पहले ये चेक करते हैं ऑल कार्ड आर पेपर है क्या, ऑल कार्ड आर पेपर तो नहीं है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो अब ये चेक करना है कि ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या, क्या सारे कार्ड को हम पेपर से कवर्ड कर सकते हैं। नाउ देखो कार्ड के साथ कंडीशन है कि वो बी से अलग रहेगा, मतलब बोर्ड से अलग रहेगा, हम इस कार्ड को यहाँ बी से अलग करके यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सारे कार्ड पेपर बने, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी सही है। नाउ सेकंड नंबर पर चलते हैं, ऑल बोर्ड बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। पहले ये चेक करना होता है ऑल बोर्ड बीइंग पेपर, ऑल बोर्ड बीइंग पेपर तो सही नहीं है क्योंकि पेपर और बोर्ड के बीच में सम का रिलेशन, ये सही नहीं है। अब ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, तो नाउ देखो पेपर और बोर्ड के बीच में सम का रिलेशन है, सम के रिलेशन में हम ओवरलैप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम पेपर और बोर्ड के बीच में ओवरलैप ड्रॉ कर दें तो सारे के सारे बोर्ड पेपर बनेंगे, पेपर और बोर्ड ओवरलैप किए जा सकते हैं, और जैसे ही पेपर और बोर्ड ओवरलैप करे जाएंगे हम बोलेंगे यस पॉसिबल तो है ऐसा, कन्फर्म सही नहीं है लेकिन, तो हम बोलेंगे यस इसकी पॉसिबिलिटी सही है, तो आंसर होगा बोथ आर राइट। नाउ नेक्स्ट है ऑल अपार्टमेंट्स आर हॉट, ऑल अपार्टमेंट आर हॉट, नट्स नो हट इज ए बिल्डिंग, कोई भी हट बिल्डिंग नहीं है। नाउ नेक्स्ट है ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज, नाउ सारे के सारे जो बिल्डिंग है वो किससे कवर्ड है, कॉटेज से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज, ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज का मतलब हुआ सारे बिल्डिंग कॉटेज से कवर है। अब ये कॉटेज ऐसे भी तो बन सकता है, कॉटेज के साथ एक ही कंडीशन है कि कॉटेज बिल्डिंग को कवर करेगा, बिल्डिंग को कवर करने के अलावा कॉटेज को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट नंबर, नो कॉटेज इज एन अपार्टमेंट, कोई भी कॉटेज अपार्टमेंट नहीं, डायग्राम में तो ठीक है यहाँ अपार्टमेंट है यहाँ कॉटेज है, सही है डायग्राम में, सही होने पर नेक्स्ट स्टेप के इसे रॉन्ग करना है, रॉन्ग करने के लिए कॉटेज और अपार्टमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो नाउ हम इस कॉटेज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपार्टमेंट से कनेक्ट किया जा सकता है, और जैसे कनेक्ट होगा कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट है सम कॉटेज आर अपार्टमेंट, नाउ सम कॉटेज आर अपार्टमेंट है क्या डायग्राम में, हमारे डायग्राम में नहीं है, इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नाउ देखो दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, एक है नो टाइप का और एक है सम टाइप का, नो टाइप का कहलाता है ई, सम टाइप का कंक्लूजन कहलाता है आई, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, ई एंड आई, और ई और आई का पेयर अगर बनता है तो आंसर क्या होता है, आइदर। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, आइदर, आइदर वन और टू। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ऑल अपार्टमेंट आर हट, नाउ अगेन नो हट इज ए बिल्डिंग, नाउ नेक्स्ट ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज, सेम ही स्टेटमेंट है। नाउ कंक्लूजन, नो अपार्टमेंट इज ए कॉटेज, अगेन नो अपार्टमेंट इज ए कॉटेज, कॉटेज यहाँ सही है, कॉटेज को हम बढ़ा के अपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही कंक्लूजन होगा रॉन्ग, सिंपल सी चीज। नाउ नेक्स्ट है सम बिल्डिंग बींग अपार्टमेंट इज ए पॉसिबिलिटी, सम बिल्डिंग बींग अपार्टमेंट इज ए पॉसिबिलिटी, पहले तो ये चेक करते हैं सम बिल्डिंग बींग अपार्टमेंट, क्या सम बिल्डिंग अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ, रॉन्ग हुआ तो नेक्स्ट स्टेप है क्या ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल है, क्या हम बिल्डिंग और अपार्टमेंट को कभी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो अपार्टमेंट हट से कवर रहेगा, हट और बिल्डिंग हमेशा दूर रहेंगे, तो बिल्डिंग और अपार्टमेंट तो कभी कनेक्ट आपस में हो ही नहीं सकते, इसका ड्रॉ करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ आंसर होगा बोथ आर रॉन्ग। ओके,
Now next है all key are locks. All key are locks and the next some locks are door. ये डायग्राम फर्स्ट नंबर है some door are key is a possibility. Now पहले some door are key. Some door are key है क्या डायग्राम में? नहीं है. It means ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया. अब ये चेक कर रहे हैं क्या सम डोर आर की ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है. तो नाउ देखो हम इस डोर को थोड़ा सा बढ़ा कर की से कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही डोर की कनेक्ट होगा तो हम बोलेंगे यस ऐसा पॉसिबल तो है. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंक्लूजन क्या हुआ सही. नाउ नेक्स्ट देखिए अगेन कंडीशनल कंक्लूजन इफ सम डोर आर की देन दे आर लॉक्स ऑल्सो. ये बोलता है अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा. चेक करके देखो सम डोर आर की अगर डोर की से कनेक्ट होंगे तो डोर लॉक से भी कनेक्ट होंगे. तो चेक करो देखो अगर डोर को बढ़ा के हम की से कनेक्ट करते हैं तो डोर लॉक से कनेक्ट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. रीजन सारे के सारे की लॉक से कवर है. डोर अगर की से कनेक्ट होता है तो उसको जाना तो लॉक के थ्रू ही पड़ेगा. तो अगर ऐसा होता है तो यस डेफिनेटली ऐसा भी होगा. तो यस ये कंक्लूजन सही है. तो यहां जो आंसर होगा होगा बोथ आर राइट. नाउ नेक्स्ट नंबर सम गैसेस आर लिक्विड. Some gases are liquid and all liquid are water. Now first number, all gases being water is a possibility. पहले ये चेक करो all gases are water है क्या? All gases are water नहीं है. नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी अब हमें चेक करनी है. अब ये चेक करना है कि ऐसा हो सकता है क्या. तो नाउ देखो all gases being water is a possibility. क्या सारी gases को water बनाया जा सकता है? देखो यहाँ दो statement है और दोनों positive है. एक सब एक all. पॉजिटिव स्टेटमेंट की खास बात ये होती है कि वो आपस में ओवरलैप हो सकते हैं. रीजन सम के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि ओवरलैप ड्रॉ किया जा सकता है और ऑल में भी हमारे पास ऑप्शन है कि ओवरलैप ड्रॉ किया जा सकता है. तो अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम इसको एक ही सर्कल पर तीनों ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. तो जैसे ही हम इनको ओवरलैप करें आपस में तो सारे के सारे गैसेस वाटर बनेंगे. तो बोलेंगे ये सही है. नाउ नेक्स्ट देखो ऑल सच गैसेज विच आर नॉट वाटर. ये बोल रहा है ऑल सच गैसेस विच आर नॉट वाटर कैन नेवर बी लिक्विड. ये बोल रहा है ऐसी गैसेस जो कि वाटर नहीं है वो कभी लिक्विड भी नहीं हो सकती. तो अब नाउ अगेन कंडीशनल कंक्लूजन टाइप का ही है कि जो गैस वाटर नहीं है वो लिक्विड नहीं हो सकती ऐसा बोला गया. तो देखो गैस का कोई भी पार्ट अगर लिक्विड से कनेक्ट होगा तो वो वाटर से तो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होगा. तो जो भी गैस वाटर नहीं होगी क्या वो कभी लिक्विड हो सकती है? गैस को अगर लिक्विड से कनेक्ट करोगे तो जाना तो वाटर के थ्रू ही पड़ेगा. हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि गैस को लिक्विड से कनेक्ट कर दे और वाटर से कनेक्ट ना हो. ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम बोलेंगे यस ऐसा बिल्कुल सही है कि जो गैस वाटर नहीं हो सकती वो कभी भी लिक्विड भी नहीं हो सकती. ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ आर राइट. नेक्स्ट सम पैनार कार. सम पैनार कार सम कार आर ट्रेन एंड नो ट्रेन इज ए बस. ये हमारे स्टेटमेंट है. नाउ यहां पर एक चीज देखिए चार कंक्लूजन दिए गए हैं और चारों ही सम नॉट टाइप के हैं. क्लियर? नाउ फर्स्ट नंबर सम पैन आर नॉट ट्रेन. अब देखो सम नॉट के अंदर मुझे बहुत सारी क्वेरीज ऐसे मिलती हैं स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट बोलते हैं कि यहां बहुत कंफ्यूजन होता है. नाउ बहुत ही सिंपल है इसे चेक करना. जब भी सम नॉट का कंक्लूजन मिले सिर्फ इतना सा चेक कर दो कि आप कोई ऐसा डायग्राम बना सकते हो क्या जिसमें सारे पैन ट्रेन बन जाए. अगर ऐसा बन सकता है तो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा और ऐसा नहीं बन सकता है तो कंक्लूजन सही रहेगा. नाउ देखो फर्स्ट नंबर है सम पैन आर नॉट ट्रेन. तो हमें क्या करना है ऑल पैन आर ट्रेन बन सकता है या नहीं बन सकता ये चेक करना. नाउ देखो ऑल पैन आर ट्रेन सारे के सारे पैन को ट्रेन से कवर कर सकते हैं क्या? अब देखो पैन और कार में सम का रिलेशन है तो इन दोनों को ओवरलैप ड्रॉ किया जा सकता है. कार और ट्रेन में भी सम का रिलेशन है तो इसको भी ओवरलैप ड्रॉ किया जा सकता है. इसका मतलब ये तीनों ऑब्जेक्ट आपस में एक ही सर्कल पर ड्रॉ किए जा सकते हैं और एक ही सर्कल पर अगर ड्रॉ करे जाएगा तो सारे के सारे पैन ट्रेन से कवर्ड हो जाएंगे. तो इसका मतलब ऑल पैन आर ट्रेन ड्रॉ कर सकते हैं. या फिर यहाँ कार और ट्रेन हम इस ट्रेन को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं. सारे के सारे पैन को ट्रेन से कवर किया जा सकता है और जब सारे के सारे पैन अगर ट्रेन से कवर हो गए इसका मतलब ये कंक्लूजन रॉन्ग है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं सम कार आर नॉट बस. रॉन्ग करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा ऑल कार आर बस. हमें ये जो पूरी कार है इसे बस से कवर्ड करना है. अब देखो बस के साथ कंडीशन क्या है कि बस ट्रेन को कभी टच नहीं करेगा और यहाँ पर कार के साथ में ट्रेन भी है तो इस पोर्शन में जो कार है वो क्या कभी बस से कवर हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी. क्लियर? तो सारे के सारे कार को तो बस से हम कवर नहीं कर सकते. नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे ये कंक्लूजन गलत भी नहीं है. अगर सारे कार बस से कवर हो जाते तो गलत हो जाता. ओके नाउ नेक्स्ट है सम बस आर नॉट पैन. सम बस आर नॉट पैन अगेन रॉन्ग करने के लिए हमें क्या बनाना है? ऑल बस आर पैन.
देखो जरा क्या ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हो जिसमें सारे बस पेन से कवर हो जाएं, बस के साथ कंडीशन है ट्रेन से अलग रहे। नाउ हम इसको यहाँ पर बस को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेन से अलग करके बस को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं चलेगा। तो सारे बस को पेन बनाया जा सकता है, इट मीन्स ये कंक्लूजन सही नहीं। नाउ नेक्स्ट पूछा है सम बस आर नॉट ट्रेन। अगेन देखो रॉन्ग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑल बस आर ट्रेन। क्या हम ऑल बस आर ट्रेन बना सकते हैं? बस और ट्रेन तो आपस में कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते तो ऑल तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये कंक्लूजन भी सही है। तो यहाँ पर कभी भी सम नॉट का कंक्लूजन मिले तो सिंपल सा तरीका है कि वहाँ पर हमें ये चेक करना है कि उसको ऑल में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा तो गलत होगा, और ऑल में कन्वर्ट नहीं होगा तो कंक्लूजन सही रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट है सम पैनर का समकारा ट्रेन एंड नो ट्रेन आर नॉट बस। यहाँ पे नो ट्रेन नहीं, यहाँ पे सम ट्रेन आना चाहिए। ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, सम ट्रेन आर नॉट बस, सम नॉट का स्टेटमेंट है। अब देखो सम नॉट का स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के लिए यहाँ बोला गया है कुछ ट्रेन बस नहीं है, तो हम क्या करते हैं कुछ ट्रेन, इन ट्रेन को निकाल देते हैं। ये वाली ट्रेन जो है वो क्या नहीं है, बस नहीं है। बस इतना सा ड्रॉ करो काफ़ी है कि ये जो हमने पोर्शन बनाया ना कि ये वाली जो ट्रेन है ये बस नहीं हो सकती, कुछ ट्रेन बस नहीं है ना, तो हमने कुछ ट्रेन को हटा दिया कि वो कभी भी बस नहीं हो सकती। ओके अब चेक करते हैं सम ट्रेन आर बस। नाउ सम ट्रेन आर बस है क्या हमारे डायग्राम में? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पूछा है सम बस आर नॉट ट्रेन। अगेन सम नॉट, सम नॉट जब भी पूछा जाएगा क्या करना है हमें, ऐसा कोई डायग्राम बनाना है जिसमें सारे बस ट्रेन से कवर हो जाए। अब देखो बस जो है वो इस एरिया में नहीं आ सकते, बट बस यहाँ तो ड्रॉ की जा सकती है ना, ऐसे सारे बस तो ट्रेन हो सकते हैं, इस पोर्शन में नहीं आ सकते, इस शेडेड पोर्शन में हमने जो कर रखा है इसका मतलब सारे बस को ट्रेन बनाया जा सकता है, और जैसे सारे ट्रेन बस बनेंगे इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा। नेक्स्ट देखो नो पैन आर कार, नो पैन आर कार, पैन और कार तो डायग्राम में कनेक्ट हो रखा है, यहीं पर रॉन्ग हो गया तो हम बोलेंगे ये रॉन्ग है। देन नेक्स्ट बोला गया सम ट्रेन आर नॉट पैन। अगेन सम ट्रेन आर नॉट पैन, रॉन्ग करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑल ट्रेन आर पैन। ऑल ट्रेन आर पैन देखो ट्रेन कार पैन तीनों में ओवरलैप किया जा सकता है, ओवरलैप करते ही कंक्लूजन क्या होगा, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी, सम नॉट का अगर कभी भी स्टेटमेंट मिलता है तो सिंपल सा इस तरह से उसको ड्रॉ कर दो ताकि आपको पता रहे कि ये वाला टी का पोर्शन जो है ट्रेन का पोर्शन है ये बस से कभी भी कवर्ड नहीं हो सकता। ओके गॉट इट। और क्वेश्चन देखते हैं, नाउ है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नाउ सम बी आर सी एंड नाउ नो सी आर डी। फर्स्ट नंबर सम डी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, डी आर नॉट ए, कुछ डी के ए ना होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी पूछी गई है, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज हैं ये। नाउ यहाँ देखो पहले ये चेक करते हैं सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए ये सही है या गलत है, डायग्राम में तो सही है, रॉन्ग करने के लिए बनाना पड़ेगा ऑल डी आर ए। हम इस डी को सी से दूर करके इस ए के अंदर बना सकते हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं। अब ये कंक्लूजन कन्फर्म तो सही नहीं है, अब हमें ये चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कुछ डी हो ऐसे हो जो ए ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अगर डी को यहाँ रखते हैं तो ये वाली डी ए कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस ये पॉसिबिलिटी सही है। नाउ नेक्स्ट पूछा है सम सी आर नॉट ए, अगेन पहले इसे चेक करना है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, ए और सी को जैसे ओवरलैप करेंगे ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर ये चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सी ए ना हो, देखो डायग्राम में ऑलरेडी पॉसिबल है ये वाला सी ए नहीं है ना, तो इसका मतलब कुछ सी ए नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल हो रही है डायग्राम में, तभी तो ड्रॉ हुआ है डायग्राम, इट मीन्स ये कंक्लूजन भी सही है। नेक्स्ट है सम बी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर बी, पहले ये चेक करो सम बी आर बी, सम बी आर बी डायग्राम में नहीं है, डायग्राम में नहीं है इसका मतलब कंक्लूजन है रॉन्ग। अब ये चेक करना है कि ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हैं जिसमें डी और कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल बना सकते हैं, उसको यहाँ से दूर करके हम डी को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे यहाँ ड्रॉ किया इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो नाउ देखो पहले ये चेक करना है सम बी आर ए, यहाँ क्या दिया है ऑल ए आर बी, यहाँ क्या पूछा है सम बी आर ए, ऑल में सम हमेशा सही होता है, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है, जो कंक्लूजन सही होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज चेक नहीं की जाती, तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 2, 3, क्लियर। तो नाउ ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और जनरली मेंस के अंदर इस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज नेगेटिव में पूछी जाती हैं, आइदर के साथ में पूछे जाते हैं, बोथ के साथ में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो, देखो कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करो, हम
आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका एक जो लास्ट पार्ट होता है वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, दैट इज रिवर्स सिलोगिज्म। वहां पर क्या होगा, कंक्लूजन गिवन होंगे एंड देन स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं कि किस स्टेटमेंट में ऊपर गिवन कंक्लूजन फॉलो होते हैं। उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा, जैसे वीडियो तैयार होगा हम अपलोड कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें यूट्यूब चैनल पर युवाम गुरुकुल के नाम से सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको सारे वीडियोस की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। आप हमारे पेज युवाम गुरुकुल को फेसबुक पर जाके लाइक कर सकते हैं एंड युवाम गुरुकुल के नाम से ट्विटर पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी आपको अगर युवाम से रिलेटेड चाहिए तो युवाम की वेबसाइट www.yuwam.edu.in पर जाके आप वहाँ से सारी डिटेल्स हमें प्राप्त कर सकते हैं।